आज जब बात की जाती है डिजिटल इंडिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि भारत को वो डिजिटली इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि घर घर में कम से कम मोबाइल का नेटवर्क ज़रूर होना चाहिए ताकि जो कम्युनिकेशन है उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे जम्मू का एक गांव ऐसा भी है जहां पर हिंदुस्तान के टावर आना तो दूर वहां पर पाकिस्तान के टावर आते हैं सुन के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास का एक गांव है ये पंचायत पड़ती है बंदोह सब डिवीज़न पड़ता है खोड़ यहाँ पे इंडिया के टावर तो नहीं आते लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के टावर ज़रूर आते हैं इसी सब पे बात करेंगे उसी इलाके से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं वो हमारे पास आए हुए हैं आपका नाम क्या है सर मेरा नाम सुरेश शर्मा है जी ये कब से आपके उस एरिया में टावर पाकिस्तान के आ रहे हैं और क्या कभी हिंदुस्तान के टावर भी आए वहाँ पे सर हम जब से देखते आ रहे हैं तो पाकिस्तान के ही नेटवर्क आते हैं लेकिन हिंदुस्तान के तो आज तक देखे नहीं हमने नेटवर्क वहाँ पे सर कम्युनिकेशन के नाम पर आज भी हमारे वहाँ पे आज़ादी के टाइम का बना हुआ डागर ही है कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है वहाँ पे अगर वहाँ के किसी भी युवा को कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फ़िल करना हो तो 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके अखनूर जाना पड़ेगा फिर उनका फॉर्म फिल होगा और सर देखिए आजकल केंद्र गवर्नमेंट की ओर से कई सारी स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया स्मार्ट इंडिया लेकिन सर वो हम पूछना चाहेंगे कि, कि वो डिजिटल इंडिया स्मार्ट इंडिया कैशलेस इंडिया कैसे होगा पाकिस्तान के नेटवर्क से तो हमारा ना इंडिया कैशलेस हो सकता है ना ही डिजिटल इंडिया हो सकता है सर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसे भी वहाँ छः सात गाँव हैं यहाँ बिल्कुल भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है अगर एक से दूसरे गाँव में कोई भी किस्म का संपर्क करना हो तो वो संपर्क नहीं कर पाते हैं बिना नेटवर्क के लेकिन इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि डिजिटल हो जाएगा इंडिया हमारे घर तक इंटरनेट होगा लेकिन वो कैसे होगा सर बिना नेटवर्क के और हमने पिछले ती, 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 तीन चार सालों से हम एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं रहे कि जो हमारे छः सात गाँव हैं हमें भी जो मोबाइल नेटवर्क की सुविधा है वो भारत की कोई कंपनी का वहाँ नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाए लेकिन केंद्र गवर्नमेंट उसकी वो ध्यान नहीं देती है लेकिन आज हमने विरोध के तौर पर अपनी वहाँ पंचायत के चौंक में हमने एक बोर्ड लगा दिया हुआ है वेलकम टू इंडियन विलेज बर्डो विद पाकिस्तान नेटवर्क और हम मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा जब से आप कह रहे हैं आपने वहाँ पर पाकिस्तान के टावर देखे तो कितना प्रॉब्लम आती है आप वो कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं आज के टाइम इक्कीसवीं सदी में जहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात की सर डिजिटल इंडिया के बात की जाए तो हमें कोई भी किस्म का आ, संपर्क करना होगा तो खुल चल के ही जाना पड़ेगा सर यही साधन है हमारे पास जहाँ हमारे पास वही डागर है जिसके माध्यम से हम संपर्क कर पाते हैं तो फिलहाल आज के टाइम पर आप अभी जो स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो उसी इलाके का है जहाँ की बात सुरेश जी ने की है आज वहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन के तौर पर वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया है वेलकम टू इंडियन विलेज जहाँ पर पाकिस्तान के टावर आते हैं बड़ा ही हैरानी हो रही है सुन के कि इंडिया में पाकिस्तान के टावर आते हैं अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये लोग भारतवासी हैं भारत में रहते हैं और भारत के ही कम्युनिकेशन स्किल्स से काफ़ी दूर है आज कनेक्टिविटी के तौर पर इनके पास वो टावर्स नहीं मिल पा रहे जिनसे ये लोग आज के टाइम पे अपने फॉर्म्स भर पाएँ ऑनलाइन एप्लीकेशंस दे पाएँ आज तो हर चीज़ ऑनलाइन है पे की बात की जाती है ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स की बात की जाती है मनी ट्रांसफ़र्स की बात की जा रही है लेकिन वहीं इंडिया के किसी भी कंपनी का टावर इनके वहां पर नहीं आता पाकिस्तान के टावर आ रहे हैं यह अभी आप स्क्रीन पे वीडियोस भी देख रहे हैं क्या कहना चाहते हो आप सरकार से क्या गुहार लगाओगे अगर नरेंद्र मोदी जी ये वीडियो देख रहे हो आपका क्या कहना चाहेंगे आप सर हम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से और केंद्र गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि हमारे वहाँ के जो भी सात गाँव हैं अगर जल्द से जल्द सरकार ने हमें वहाँ नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई तो आने वाले दिनों में वो चाहे पंचायती चुनाव होंगे जहाँ लोकसभा के चुनाव होंगे हम आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे वहाँ का जुबा चुनावों का बहिष्कार करेगा धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है सिक्योरिटी के भी हिसाब से अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जिसके अंदर पाकिस्तान के टावर्स इनके गांव में आ रहे हैं सिक्योरिटी की बात मैंने इसलिए की जब भी इनफिल्ट्रेशन अगर किसी भी तरह की होती है तो अगर कोई भी आतंकियों का ग्रुप एंटर करता है तो इजीली जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर इनके घर से बिल्कुल पाँच छः किलोमीटर की दूरी पर है उस एरिया तक मोबाइल टावर्स जो हैं पाकिस्तान के आ रहे हैं किस तरह से वो अपने अकाउंट से बातचीत कर सकते हैं ये आप सुन सकते हैं सो so, सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी बड़ा लैप्स है जिसके लिए सरकार को देखना चाहिए और दूसरी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो सपना इस इलाके में जो कि पंचायत भरदो है सब डिस्ट्रिक्ट जो खोड़ पड़ता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सपना धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि आज भी इन लोगों के पास अभाव है मोबाइल टावर्स का वहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है आशीष कोहली इस स्पेशल रिपोर्ट के लिए कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए